अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर डॉक्टर सबा सना एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेकंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज की क्लास में हमारी जो प्रीवियस क्लास की डिस्कशन है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने ये देखा था कि स्टेन्स क्या होती हैं, स्टेन और डाई में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंट जो स्टेन्स हैं उनके बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, स्टेन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। और फिर हमने स्टेन की टाइप्स पढ़ी थी कि एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं और न्यूट्रल होती हैं। और न्यूट्रल स्टेन्स जो हैं उनका बहुत कम रोल होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, मोस्टली एसिडिक और बेसिक स्टेन्स होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह स्टेन की टाइप्स होती हैं, इस तरह जो स्टेनिंग की टेक्निक्स हैं स्टेन को यूज़ करके जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करते हैं उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि सिंपल स्टेनिंग होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है और स्पेशल स्टेनिंग होती है। तो ये तीन स्टेनिंग की टाइप्स हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल स्टेनिंग के साथ। सिंपल स्टेनिंग आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल स्टेन क्या है और ये कैसे करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें रिजल्ट किस तरह से आते हैं। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक आज हमने डिस्कस करनी है। तो सिंपल स्टेनिंग को सिंपल इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। किस रेफरेंस से? इसमें स्टेप्स जो हैं वो कम होते हैं, इसमें जो स्टेप्स होते हैं इसको जो परफॉर्म करने के स्टेप्स हैं वो कम होते हैं। और दूसरा, इसमें सिर्फ एक ही स्टेन इस्तेमाल होती है। सिंपल स्टेनिंग स्टेनिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक ही स्टेन यूज़ करके बैक्टीरिया को कलर देते हैं। सिंपल स्टेनिंग स्टेनिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम सिंगल स्टेन जो है उसको यूज़ करते हैं। सिंगल स्टेन को यूज़ करके जो स्टेनिंग की जाती है वो सिंपल स्टेनिंग है। ठीक हो गया। तो सिंपल स्टेनिंग करनी कैसे है और इसका पर्पस कैसे है, पहले तो हम इसके पर्पस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल स्टेन जब भी हम करते हैं उसमें हम कोई ना कोई बेसिक या एसिडिक स्टेन यूज़ करते हैं, एसिडिक स्टेन यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेन यूज़ करेंगे। और ऐसी सिंपल स्टेनिंग जिसमें हम एसिडिक स्टेन को यूज़ करके स्टेनिंग करें उसको हम नेगेटिव स्टेनिंग कहते हैं। तो आज हम सिंपल स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। दोनों स्टेनिंग टेक्निक्स बेसिकली सिंपल स्टेनिंग ही हैं, लेकिन सिंपल स्टेनिंग जिसमें बेसिक स्टेन इस्तेमाल होते हैं, बेसिक स्टेन जिसमें क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सेल्स को कलर देता है। और दूसरी टाइप की जो सिंपल स्टेनिंग है जिसको हमने नेगेटिव स्टेनिंग का नाम दिया, उसमें हम एसिडिक स्टेन इस्तेमाल करेंगे। और एसिडिक स्टेन के ऊपर मैंने बताया था कि इसमें क्रोमोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये सेल को स्टेन नहीं करती, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव की रिपल्शन होती है, सेल्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और ये बोथ नेगेटिव नेगेटिव की वजह से ही आपने याद रखना है कि ये जो स्टेनिंग है ये नेगेटिव स्टेनिंग है, जिसमें हम बैक्टीरियल सेल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हम एसिडिक स्टेन के साथ स्टेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टेन हो नहीं पाता क्योंकि एसिडिक स्टेन में क्रोमोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और नेगेटिव की रिपल्शन होती है जिसकी वजह से सेल्स स्टेन नहीं हो पाते। तो हम सिंपल स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। सिंपल स्टेनिंग जिसमें बेसिक स्टेन इस्तेमाल करते हैं, बेसिक स्टेन जो कि सेल को कलर इम्पार्ट करती है। अब ये सिंपल स्टेनिंग का पर्पस क्या है? सिंपल स्टेनिंग चूंकि सेल को कलर इम्पार्ट करती है तो इसमें आपको सेल्स बिल्कुल कलर्ड नजर आएंगे, जिस भी कलर की आप बेसिक स्टेन इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप मिथाइलिन ब्लू यूज कर लें, चाहे आप क्रिस्टल वायलेट यूज कर लें, चाहे आप सेफ्रानिन यूज कर लें जो कि रेड स्टेन है, तो जिस भी स्टेन को आप यूज करेंगे आपको उसी कलर के सेल नजर आएंगे। और स्टेनिंग के बाद आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और माइक्रोस्कोप कौन सी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें आपको वाइट लाइट मिलती है, विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट यानी कि वाइट लाइट, तो उसमें आपको बैकग्राउंड वाइट नजर आएगा। अलबत्ता जहाँ पे सेल्स बड़े होंगे उनका जो रंग है उस रंग के सेल्स आपको नजर आ जाएंगे, सेल्स बड़े प्रोमिनेंट होंगे, सेल्स बैकग्राउंड से डार्क होंगे। तो जब सेल्स बैकग्राउंड से डार्क हो तो एक तो हम सेल को आसानी से देख सकेंगे, दूसरा हम ये देख सकेंगे सेल की शेप क्या है, सेल की अरेंजमेंट क्या है, सेल की शेप, सेल का साइज, सेल की अरेंजमेंट को जब हमने स्टडी करना हो तो हम सिंपल स्टेनिंग करते हैं। इस बेस पे हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते,
हम सिर्फ ये देखते हैं सिंपल स्टेनिंग का पर्पस क्या है, सिंपल स्टेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कि हम सेल की शेप को देख सकें, सेल की अरेंजमेंट को देख सकें और सेल के साइज को मेजर कर सकें। जब हमने ये तीन चीज़ें परफॉर्म करनी है तब हम सिंपल स्टेनिंग कर लेते हैं। सिंपल स्टेनिंग दोबारा से बता रही हूँ, कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया, स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक बेसिक स्टेन इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेनिंग में होगा क्या, सेल्स कलर हो जाएंगे लेकिन बैकग्राउंड जो है वो कलरलेस रहेगा, सेल्स बैकग्राउंड की निस्बत डार्क होंगे, जो कलर हम डालेंगे वो कलर टेकअप कर लेंगे। मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो ब्लू कलर के सेल्स होंगे, बैकग्राउंड पूरे का पूरा वाइट होगा। क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो सेल्स वायलेट कलर के होंगे, बैकग्राउंड पूरे का पूरा जो है वो वाइट होगा। सेफ्रानिन डालेंगे तो सेल्स जो है रेड कलर के होंगे और पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा। तो जब सेल्स डार्क हों और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, वाइट हो, तो हमें सेल्स को देखना आसान हो जाता है। जब हमें सेल्स को देखना आसान हो जाएगा तो हम सेल की शेप आसानी से देख सकते हैं कि वो कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरल है या क्यूब शेप है। ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें सेल की शेप पता चल जाएगी। दूसरा, हमें सेल की अरेंजमेंट पता चल जाएगी कि सेल्स आपस में अकेले अकेले पड़े हैं या दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं, जिनको आप डिप्लो कहते हैं। कोकाई है तो डिप्लो कोकाई और बेसिलाई है तो डिप्लो बेसिलाई कहते हैं। और अगर चेन में तो नहीं अरेंज आपस में, कि कोकाई है और चेन में अरेंज है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस है, कि चेन के लिए स्ट्रेप बोलते हैं और कोकाई आपस में जुड़े हैं, ये भी अरेंजमेंट है एक तरह की। फिर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इरेगुलर से क्लस्टर्स हैं, सेल की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपस में जुड़े पड़े हैं लेकिन कोई पैटर्न नहीं है खास, इरेगुलर क्लस्टर्स की तरह उनकी अरेंजमेंट हो। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है जो सेल्स में एग्जिस्ट करती हैं। फिर चार चार के सेल्स हो सकते हैं जिन्हें आप टेट्रेट कहते हैं। फिर आठ आठ के सेल्स आपस में हो सकते हैं, चार और चार आगे पीछे, जिनको आप सारसीना कहते हैं। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब हमें सेल्स नजर आएंगे, और उसके लिए हम बेसिक स्टेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ साइज़ है। साइज़ मेयर करने के लिए एक अलहदा से एक्सपेरिमेंट है, माइक्रोमीट्री। लेकिन साइज़ हम तभी मेयर कर सकेंगे जब हमें सेल नज़र आए, इसलिए जब हमने साइज़ मेयर करना हो तब भी हम सेल को बेसिक स्टेन से स्टेन कर लेते हैं। तो बेसिक स्टेन का मैंने आपको बताया, स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक जिसमें हम सॉरी सिंपल स्टेनिंग स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी ना किसी बेसिक स्टेन की हेल्प से सेल को स्टेन करते हैं। इसमें होता क्या है, सेल्स डार्क या कलर्ड होते हैं और बैकग्राउंड जो है वो वाइट होता है। इसमें पर्पस क्या होता है हमारा इस स्टेनिंग टेक्निक को परफॉर्म करने का, सेल की शेप को देखना, उसके साइज को देखना, सेल्स की अरेंजमेंट को देखना। अब ये करना कैसे है जी बच्चों, किसी को कोई इश्यू है तो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी किसी के माइक में प्रॉब्लम लग रही है। कुछ कहना तो नहीं चाह रहे आप? लेट मी चेक जी, किस बच्चे का माइक जी? मुजदलफा, अच्छा ठीक हो गया, मेरा ख्याल है उन्होंने भी आवाज सुन ली होगी। माइक ऑफ कर सकते हो आप या मैं कर दूं? ओ सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। की तरफ आते हैं। पहला स्टेप इस स्टेनिंग टेक्निक में, पहला जो स्टेप है वो स्मियर फॉर्मेशन है। स्मियर फॉर्मेशन है, इस पे हम बात करते हैं कि ये होता गया। अभी जस्ट मैं स्टेप इनलिस्ट कर रही हूं। स्मियर फॉर्मेशन के बाद आपने स्टेन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेन। आपने स्टेन को स्मियर के ऊपर डाल देना है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेन फॉर रिकमेंडेड टाइम। हर स्टेन का एक रिकमेंडेड टाइम है, आपने उस रिकमेंडेड टाइम के लिए उस स्टेन को स्मियर के ऊपर डाल देना है। थर्ड स्टेप पे आपने एक्सेसिव स्टेन, जितनी सेल ने लेनी थी ले ली, आपने वॉशिंग या रिंस, बेसिकली रिंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिंसिंग कर लेनी है वाटर को यूज़ करके। आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है, एयर ड्राई करते हैं इसमें या ब्लॉट ड्राई। कुछ पेपर्स होते हैं जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे टिश्यू पेपर है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं जिस भी जगह पे आप रखें। तो इस तरह ब्लॉटिंग पेपर होते हैं जो कि एक्स्ट्रा जो वॉशिंग के दौरान पानी बच जाता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप एयर ड्राई कर सकते हैं, ब्लॉट ड्राई कर सकते हैं और एयर, या फिर अगर आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप एयर ड्राई करते हैं। वंस आपके पास ड्राई हो जाए तो आप उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, और बैक्टीरिया के केस में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे करते हैं। बैक्टीरिया के केस में जो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है वो 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे करनी है, क्योंकि बैक्टीरिया सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। 100x पे हम इनकी मॉर्फोलॉजी को सही तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो
तो ये स्टेप्स मैंने इनलिस्ट किए हैं, अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो आप भी चाहे चैट बॉक्स खोल लें तो आपको ये स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस में नजर आएंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है स्मीयर फॉर्मेशन। स्मीयर बनाना कैसे है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेनिंग के लिए तीन सोर्सेज से हो सकते हैं, या तो हमारे पास ब्रॉथ कल्चर होगा, या हमारे पास कॉलोनी होगी यानी कि एगर के ऊपर ग्रोथ होगी, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, सैंपल हो सकता है। फर्ज करें हमारे पास पास सैंपल है या फिर हमारे पास यूरन सैंपल है, तो उस सैंपल से भी हम स्मीयर बना सकते हैं। वो जस्ट लाइक क्या होगा, सैंपल अगर एगर सॉलिड है तो उसको हम एगर की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर सैंपल लिक्विड है तो उसकी हम स्लाइड जो बनाएंगे, स्मीयर जो बनाएंगे, उसको हम ब्रॉथ की तरह डील करेंगे। तो आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, ब्रॉथ कल्चर या लिक्विड सैंपल्स, या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब एगर के ऊपर कॉलोनी, या फिर पस सैंपल वगैरह, या कोई आपके पास और इस तरह का सॉलिड सैंपल है, फिकल मटेरियल है, इस तरह से हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है सैंपल्स की, उसके बाद हम डायरेक्ट सैंपल से स्लाइड भी बना सकते हैं। हम अभी एगर और ब्रॉथ के रेफरेंस से बात करेंगे कि जब आपके पास प्यूरिफाइड कल्चर हो, तो हर सैंपल की प्रोसेसिंग डिफरेंट तरह से है। डायरेक्ट स्लाइड बनाने के लिए भी हम अभी जो है वो फिलहाल एगर और ब्रॉथ के साथ चलेंगे। अगर आपके पास ब्रॉथ है, अगर आपके पास ब्रॉथ कल्चर है, मतलब लिक्विड आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रोथ है, वहां से आपने स्लाइड कैसे बनानी है, पहले स्टेप पे आपने, अब आप याद रखिएगा मैं आपको स्मीयर फॉर्मेशन के स्टेप्स बताने लगी हूँ। स्मीयर फॉर्मेशन के स्टेप्स, स्मीयर फॉर्मेशन में जो पहला पॉइंट है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि 1 2 मैंने पहले दे दिया, उसमें यह है कि आपने स्लाइड को डीवैक्स करना है। जो माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड हैं जो कमर्शली अवेलेबल होती हैं, ग्लास की होती हैं और बहुत ज़्यादा आपस में पैरेलल फैशन में एक ही डिब्बे के अंदर होती हैं, इनके ऊपर वैक्स की एक हल्की सी कोटिंग होती है ताकि ड्यूरिंग पैकेजिंग या ड्यूरिंग स्टोरेज इनके ऊपर स्क्रैचेस ना आए। तो वैक्स कोट कर दिया जाता है जिसकी वजह से इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ रहती है। ये स्मूथ सरफेस हमें ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प आउट करती है। अगर खुरदरी सरफेस होगी तो हमारा स्मीयर ठीक नहीं बनेगा, और इसलिए स्क्रैचेस वगैरह से रोकने के लिए जितनी भी कमर्शली अवेलेबल स्लाइड्स होती हैं उनके ऊपर वैक्स की एक कोटिंग होती है। अब वैक्स के ऊपर पानी नहीं लग सकता, अगर फर्श के ऊपर तेल गिर गया है, ऑयल गिर गया, तो ऑयल के ऊपर पानी सही तरह से नहीं जाएगा जब तक हम उस ऑयल को रिमूव ना कर दें। तो ऑयल भी लिपिड है और वैक्स भी लिपिड है, तो सबसे पहले हमें इस लिपिड बेस्ड मटेरियल यानी वैक्स को स्लाइड के ऊपर से रिमूव करना है, क्योंकि हमारा ब्रॉथ कल्चर भी डिस्टिल्ड वाटर है, और जो अगर हमने एगर से कॉलोनी बनानी है तो उस स्मीयर बनाना है तो उसमें भी हमने पानी का इस्तेमाल करना है। इसलिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने स्लाइड को डीवैक्स करना है। स्लाइड को हम डीवैक्स यानी कि हम लिपर्स को स्लाइड के ऊपर से रिमूव मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिपर को डिजोल्व कर लेते हैं, आप उसको इथाइल अल्कोहल में डिप कर दें और बाद में इथाइल अल्कोहल अवेपोरेट करवा लें, स्लाइड डीवैक्स हो जाएगी। लेकिन प्रेफरेबली हम क्या करते हैं, जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है स्टेनिंग के, उसमें हम फिजिकल मेथड यूज करते हैं डीवैक्स करने का। हम क्या करते हैं, हम बर्नर के ऊपर यानी कि फ्लेम के ऊपर स्लाइड को डीवैक्स करते हैं, फ्लेम के ऊपर स्लाइड को डीवैक्स करते हैं। हम स्लाइड को पकड़ते हैं और जिस साइड पे हमने स्मीयर बनाना हो उस साइड से हम बर्नर के ऊपर उसको फ्यू सेकेंड्स के लिए गुजारते हैं, 1 2 3 सेकेंड्स के लिए हम बर्नर के ऊपर से गुजार देते हैं। ऐसा करने के दौरान, जब अगर अल्लाह करे यूनिवर्सिटी खुल जाए मैं आपको दिखा सकूं, कि वैक्स आपको रिमूव होती नजर आती है, वो एरिया बिल्कुल वैक्स फ्री हो जाता है। जिस साइड पे आपने स्मीयर बनाना हो उस साइड को आपने फ्लेम की हेल्प से वैक्स फ्री कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या है, डीवैक्स करना, स्लाइड डीवैक्स हो गई। अब हम ब्रॉथ कल्चर से स्लाइड बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इनोकुलेटिंग लूप लेना है, इनोकुलेटिंग लूप उसको स्टीराइल करना है, फ्लेम से ही स्टीराइल करते हैं, उसको ठंडा करके आपने ब्रॉथ के अंदर डिप कर देना है। जब ब्रॉथ के अंदर डिप करके उसको बाहर निकाल लेंगे, टेस्ट ट्यूब को बंद करके साइड पर रख देंगे, तो जो इनोकुलेटिंग लूप का लूप वाला पोर्शन है उसमें सरफेस टेंशन की वजह से ब्रॉथ कल्चर जो है वो आ जाता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम उसके अंदर आ जाता है। जो हमारी लैब्स में लूप है उनमें मोस्टली 20 माइक्रोलीटर की एक ब्लेंड आता है, तो वो इनोकुलेटिंग लूप में जो वॉल्यूम आया है उसको आपने स्लाइड की जो सरफेस डीवैक्स की है उसके ऊपर रखना है, वो ड्रॉप ट्रांसफर हो जाएगा, आपने उसको सरफेस को टच करके रख देना है, और फिर आपने लूप को लूप की हेल्प से वो जो ड्रॉप लगाया है सर्कुलर फैशन में उसको घुमाते जाना है, उसको घुमाते जाना है, और साथ में वो जो सर्कल आप बना रहे हैं उसका डायमीटर भी बड़ा करते जाना है।
साथ में जो सर्कल आप लगा रहे हैं उसका डायमीटर भी बड़ा करते जाना है। और इसी तरह आपने स्मियर पिलाते पिलाते लैब्स के अंदर जो स्मियर बनाते हैं, आपने 80% जो स्लाइड का एरिया है वो स्मियर से कवर कर देना है। करना क्या है, इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से आपने ब्रॉथ कल्चर पिक करना है और उसको स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करके उस ब्रॉथ कल्चर को सर्कुलर फैशन में घुमाते घुमाते स्लाइड के ऊपर यूनिफॉर्मली स्लाइड के ऊपर फैला देना है। लाइनें नहीं लगानी, ब्रेक्स नहीं आने चाहिए, बड़ी यूनिफॉर्म मिक्सिंग, बड़ी थिन लेयर आपने बना देनी है। कैसे थिन लेयर बनानी है, लूप को घुमाते घुमाते सर्कुलर फैशन में अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए सर्कल बनाते जाना है और आपने 80% जो स्लाइड है उसके ऊपर स्मियर फॉर्मेशन कर देनी। अब ये आपका स्मियर रेडी हो गया है। इस स्मियर को आपने स्मियर फॉर्मेशन में अगला जो स्टेप है बी पॉइंट जो है वो एयर ड्राई करना है। स्लाइड डीवैक्स करने के बाद आपने ब्रॉथ ट्रांसफर करना है जिससे आप स्मियर बना रहे हैं। ये आपका बी पॉइंट था। सी पॉइंट पे आपने क्या करना है कि आपने जब आपका ब्रॉथ ट्रांसफर हो जाए उसको सर्कुलर फैशन में आपने उसकी स्प्रेडिंग कर देनी है। सर्कुलर फैशन में उसको पूरी स्लाइड के ऊपर फैला देना है, यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सर्कुलर फैशन में। जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें आपका स्मियर बन गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने स्मियर फॉर्मेशन में इसको फिक्स करना जरूरी है, आपने एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई आपने स्लाइड को थोड़ी देर हाथ में पकड़ के या शेल्फ के ऊपर रख देना है। विदिन 30 to 40 seconds अगर आपने स्मियर थिन और अच्छा बनाया है, थिन स्मियर होना जरूरी है, स्मियर बहुत थिन होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा थिक होगा तो सेल्स एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा लेंगे, हमें किचमिच में पता ही नहीं चलेगा कि सेल की शेप क्या है, इतना ज्यादा रश होगा। तो इसलिए स्मियर थिन बनाते हैं ताकि सेल्स स्लाइड के ऊपर एक दूसरे से परे परे रहें। स्मियर शुड बी थिन, स्मियर की ये क्वालिटी है कि स्मियर थिन होना चाहिए। इसलिए आपने 80% स्लाइड के ऊपर वो 20 microliter फैला देना है। जब फैल जाए आपने एयर ड्राई कर लेना। एयर ड्राई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ई वाला स्मियर फॉर्मेशन में, उसको आपने हीट फिक्स करना है, हीट फिक्सेशन कर लेनी है उस स्मियर की। फिक्सेशन से मुराद ये है कि जब आप एयर ड्राई तक के स्टेप में करते हैं तो आपका स्मियर स्लाइड के ऊपर है, लेकिन हमने स्टेनिंग के प्रोसीजर्स में वॉशिंग करनी है। जो स्टेनिंग का सिंपल स्टेनिंग का प्रोसीजर है इसमें हमने वॉशिंग करनी है, और स्मियर जो है अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे, जस्ट एयर ड्राई कर लेंगे और स्टेनिंग की तरफ चल पड़ेंगे, तो वॉशिंग के दौरान ही वो स्मियर बह जाएगा और स्लाइड के ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने स्लाइड को फिक्स करना है, हमने स्मियर के अंदर जो सेल्स हैं उनको स्लाइड की सरफेस के ऊपर थोड़ा सा स्टिक करवा देना है। स्टिक करवाने के लिए क्या करेंगे, केमिकल मेथड भी हैं और फिजिकल मेथड भी हैं, सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे अगर आपने ब्लड स्मियर बनाया तो उसमें केमिकल मेथड यूज होते हैं, इसमें हम हीट ही इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या करना है कि जिस साइड पर हमने स्मियर बनाया है स्लाइड पकड़नी है और उसकी ऑपोजिट साइड से हमने फ्लेम के ऊपर 3 times हमने स्लाइड को स्मियर की ऑपोजिट साइड के ऊपर बर्नर के ऊपर से पास करना है। उसको पकाना नहीं है कि देज की एक दफा चूल्हे के ऊपर रख दी, नो, जस्ट रखना है उतार लेना है, रखना है उतार लेना है, रखना उतार लेना है, मतलब हाथ में स्लाइड पकड़ के फ्लेम के ऊपर 1 2 3 डाल के निकाल के डाल के निकाल के डाल के निकाल के, तो 3 times आपने ये इसको हीट प्रोवाइड करनी है जस्ट 2 to 3 seconds के लिए। इससे क्या होगा, आपके सेल्स स्लाइड के साथ स्टिक हो जाएंगे, आपका स्मियर जो है वो फिक्स हो गया, हीट फिक्सेशन होगी। वंस आपने हीट फिक्सेशन होगी ये आपका स्मियर जो है वो रेडी हो गया स्टेनिंग के लिए। किया क्या है आपने, फर्स्ट स्टेप पे स्लाइड को डीवैक्स किया है, इनोकुलेटिंग लूप से ब्रॉथ कल्चर ट्रांसफर किया है, उस ब्रॉथ कल्चर को आपने 80% स्लाइड के ऊपर सर्कुलर फैशन में फैला दिया है, उसके बाद उसको एयर ड्राई किया और एयर ड्राई करने के बाद हीट फिक्स किया है। ये तो था जब आप ब्रॉथ में से स्लाइड बना रहे हैं। जब आप एगर में से स्लाइड बनाते हैं तो तमाम स्टेप सेम होती हैं सिवाय सेकंड स्टेप के। एगर में से स्लाइड कैसे बनानी है, अभी मैं आपको एगर के ऊपर से आपने स्मियर कैसे बनाना है यानी कॉलोनी उठा के, उसके लिए आपने स्लाइड डीवैक्स ही करनी है। स्लाइड डीवैक्स पहला स्टेप क्या है कि उसमें आपने स्लाइड जो है वो डीवैक्स करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि डीवैक्स पोर्शन के ऊपर आपने वाटर का एक ड्रॉप रख देना है इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से। आपने एक लूप फुल वाटर लेना है, टैप वाटर लेना है, कोई भी वाटर आपने स्लाइड के सेंटर में रख देना है। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने इनोकुलेटिंग लूप से कॉलोनी पिक करनी है। फोर्थ स्टेप पे क्या करना है कि आपने मिक्सिंग कर देनी है इस कॉलोनी की वाटर के अंदर जो कि आपने स्लाइड के ऊपर प्लेस किया था, और मिक्सिंग करने के दौरान ही आपने मिक्स करते भी जाना है
और इसको सर्कुलर फैशन में 80% स्लाइड के ऊपर फैलाते भी जाना है। चूंकि वो सॉलिड था इसलिए उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। तो ब्रॉथ हमारे पास पहले से ही लिक्विड था, और ब्रॉथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, लिक्विड में आपने स्लाइड के ऊपर पानी का ड्रॉप रखा है और कॉलोनी उसमें मिक्स करते गए हैं और 80% स्लाइड के ऊपर फैलाते गए हैं। आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो सेम हैं। इसके बाद आप एयर ड्राई करेंगे और हीट फिक्सेशन करेंगे। वंस आपका स्मीयर रेडी हो गया, अब आपने ये देखना है कि स्टेनिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको सिंपल स्टेनिंग का प्रोसीजर नेक्स्ट बताने लगी हूँ। तो सिंपल स्टेनिंग में पहला स्टेप क्या है कि आपने स्मीयर फॉर्मेशन करनी है या स्लाइड प्रिपेयर करनी है। स्मीयर फॉर्मेशन एगर और ब्रॉथ दोनों से मैंने आपको बता दी। वंस स्मीयर फॉर्मेशन होगी, सेकेंड स्टेप क्या था कि आपने स्टेन अप्लाई करनी है। आपने स्टेनिंग रैक्स होते हैं वहाँ पर जाके अपनी स्लाइड रखनी है, स्मीयर वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, और आपने उस पूरे स्मीयर को ड्रॉपर की हेल्प से पूरे स्मीयर के ऊपर स्टेनिंग सॉल्यूशन डाल देना है। स्टेनिंग सॉल्यूशन अगर आप क्रिस्टल वायलेट डाल रहे हैं तो आपने वेट करना है 1 मिनट के लिए। क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट में सेल्स को स्टेन कर देता है। अगर आप मिथाइलिन ब्लू डाल रहे हैं तो आप 1 से 2 मिनट वेट करेंगे, 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। और अगर आप सेफ्रानिन इस्तेमाल करें तो सेफ्रानिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, सेफ्रानिन को आप 1 से 3 मिनट यानी मैक्सिमम आप 3 मिनट से वो दे सकते हैं। या क्या आपने स्मीयर को ड्रॉपर की हेल्प से आपने स्टेनिंग सॉल्यूशन स्मीयर के ऊपर डाल दिया, जितनी जगह पे स्मीयर है उस पूरी जगह पे आपने स्टेनिंग सॉल्यूशन डाल देना है, और स्लाइड सीधी पड़ी है, स्टेनिंग सॉल्यूशन उसके ऊपर है। फर्ज करें आपने क्रिस्टल वायलेट डाला है, फर्ज करें हमने क्रिस्टल वायलेट डाला है, आपने वेट करना है। जब क्रिस्टल वायलेट डाले हुए आपको 1 मिनट हो जाए, आपने स्लाइड कानों से पकड़नी है एक कॉर्नर से और तमाम का तमाम स्टेन गिरा देना है। सेल्स ने 1 मिनट में जितना स्टेन टेकअप करना था कर लिया, आपने सेल्स जो है उसको गिरा देना, स्टेन गिरा देना। और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना जो कि रिंसिंग है। आपने वाटर बॉटल के अंदर वाटर जो है वो स्मीयर के ऊपर, स्मीयर के बिल्कुल ऊपर नहीं बल्कि जहाँ पे ऊपर वाली साइड, स्लाइड के ऊपर वाली साइड से स्मीयर के ऊपर पानी जो है वो ड्रेन करना है। पानी बहता जाएगा और जितनी भी एक्सेसिव स्टेन है वो रिमूव हो जाएगी। जब आप स्टेन को रिंस कर लें उसके बाद आप ब्लॉट ड्राई करेंगे, स्लाइड ड्राई हो जाएगी तो उसके ऊपर ऑयल का ड्रॉप लगा के 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप स्टेफ्रोकोकस ऑरियस अगर आपने किया था तो वो आपको पर्पल कलर का नज़र आएगा, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट का कलर जो है वो पर्पल होता है। तो इसमें आपको सेल्स जो हैं वो पर्पल कलर के नज़र आएंगे। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होंगी, इसमें सेल्स आपको पर्पल कलर के नज़र आएंगे और जो बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट नजर आएगा। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, स्टेनिंग में सेल्स आपको पर्पल नजर आएंगे, उनकी शेप कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोकाइन है चाहे वो बैसिलाइन है, उनका कलर पर्पल ही होगा क्योंकि हमने एक ही स्टेन डाला है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमने उनको कोई और ऑप्शन दी ही नहीं तो उन्होंने सिर्फ इसी स्टेन को टेकअप करना है। तो सेल्स पर्पल नजर आएंगे, वो सेल चाहे बैसिलाइन है चाहे कोकाइन है, और जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट नजर आएगा क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हाइट लाइट होता है लाइट, तो बैकग्राउंड आपको व्हाइट नजर आएगा। तो इसमें हमने कलर नहीं देखना, कलर की वजह से सेल्स प्रोमिनेंट हो गए तो हम सेल की शेप देख लेंगे कि कोकाई है या बैसिलाई है और उसकी अरेंजमेंट देख सकते हैं। इसकी बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एसिड फास्ट है या नेगेटिव है, एसिड नॉन एसिड फास्ट है, इसमें स्पोर है या नहीं। इसमें सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि सेल की शेप क्या है, साइज क्या है और अरेंजमेंट क्या है। कलर इसमें मैटर नहीं करता क्योंकि हमने जो स्टेन डालना है सेल्स ने वही कलर टेकअप करना है। तो ये थी सिंपल स्टेनिंग, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग की तरफ। नेगेटिव स्टेनिंग इससे भी ज़्यादा सिंपल है। नेगेटिव स्टेनिंग में जो स्टेप्स हैं अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ। नेगेटिव स्टेनिंग ये बेसिकली सिंपल स्टेनिंग है, लेकिन उसमें चूंकि हम एसिडिक स्टेन यूज़ करते हैं और एसिडिक स्टेन ऐसी स्टेन्स होती हैं जिसमें क्रोमोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव क्रोमो स्टेन के ऊपर भी कलर देने वाला नेगेटिव है और बैक्टीरियल सेल के ऊपर भी नेगेटिव है, तो आपस में नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की वजह से सेल्स स्टेन का कलर टेकअप ही नहीं करते तो सेल्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस स्टेनिंग में हम वॉशिंग नहीं करते, इस स्टेनिंग में हम कोई वॉशिंग नहीं करते, जहाँ पे हमने स्टेन डाला होता है स्टेन वहीं पे रहता है, नो वॉशिंग, इसमें हम वॉशिंग नहीं करते लेकिन स्टेन डाल देते हैं। अब जब स्लाइड के ऊपर स्टेन डाल देंगे सेल्स तो स्टेन नहीं होंगे, लेकिन स्लाइड के ऊपर स्टेन तो हमने डाल दिया था
और उस स्टेन को बाद में वॉश भी नहीं किया, वॉश करते तो वो रिमूव हो जाता है, वॉश भी नहीं किया तो जाहिर है स्टेन का कलर रहेगा। तो इसमें बैकग्राउंड आपको स्टेन की वजह से कलर्ड नजर आता है, तो पर्पलश ब्लैक कलर होता है, तो इसमें आपको बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड बैकग्राउंड नजर आएगा। और ये कलर्ड बैकग्राउंड किस वजह से होगा? स्टेन की प्रेजेंस की वजह से। और इसमें सेल्स आपको ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं। सेल्स ट्रांसपेरेंट क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इसमें हम स्टेनिंग के लिए जो स्टेन इस्तेमाल करते हैं वो एसिडिक स्टेन होता है। और बैकग्राउंड कलर्ड क्यों नजर आता है? क्योंकि इसमें हम वॉशिंग नहीं करते। तो अब करेंगे कैसे? इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्लाइड जो है, पहला स्टेप वही है, स्लाइड को डीवैक्स करते हैं। ये एक डिफरेंट स्टेनिंग है जिसमें आपने स्मीयर बिल्कुल डिफरेंट तरह से बनाना है। बाकी जितनी भी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, बाकी जितनी भी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं उनमें स्मीयर फॉर्मेशन कमोबेश वही है जो कि मैंने आपको सिंपल स्टेनिंग में बताई। लेकिन नेगेटिव स्टेनिंग वो वाहिद स्टेनिंग है जिसमें आपने स्मीयर जो है वो एक डिफरेंट तरह से बनाना है। कैसे ये मैं बताती हूँ आपको। नेगेटिव स्टेनिंग में आपने स्लाइड डीवैक्स करनी है, और सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने स्टेन का एक ड्रॉप एसिडिक स्टेन यानी कि निग्रोसिन, आपने स्टेन कौन सी यूज करनी है? हमने निग्रोसिन है हमारे पास लैब में, हमने वही यूज करनी थी, ब्लैक कलर की स्टेन होती है। निग्रोसिन का एक ड्रॉप प्लेस करना है ऑन वन साइड ऑफ स्लाइड, स्लाइड की एक साइड पे आपने वो ड्रॉप जो है वो प्लेस कर देना है, वन साइड ऑफ स्लाइड जो है वो आपने ड्रॉप जो है वो प्लेस कर देना है। अब स्टेन स्लाइड के ऊपर है, फिर आपने इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी जो है वो इस स्टेन में मिक्स करनी है। मिक्सिंग करते हुए तो थर्ड स्टेप क्या है कि मिक्सिंग है, थर्ड स्टेप कॉलोनी की आपने मिक्सिंग इन स्टेन है, मिक्सिंग इन स्टेन। लेकिन मिक्सिंग करते हुए आपने उसको फैलाना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपने स्लाइड के कॉर्नर पे स्टेन का ड्रॉप डाला है। अब इस स्टेन के अंदर आपने सेल्स छुड़वाने हैं बेसिकली एक दूसरे से, आपने लूप को उसी जगह पे थोड़ा टच कर करके आपने इसके अंदर कल्चर मिक्स करना है, ग्रोथ मिक्स करनी है, कॉलोनी मिक्स करनी है, और मिक्स करते हुए इसको फैलाना नहीं है जैसे कि आपने सिंपल स्टेनिंग में किया। वंस आपने उस ड्रॉप के अंदर कल्चर मिक्स कर लिया, और मिक्सिंग के बाद ड्रॉप को ड्रॉप की फॉर्म में ही रहना चाहिए, उसको फैल नहीं जाना चाहिए। जब आपने मिक्स कर लिया तो तब क्या करते हैं कि आप एक दूसरी स्लाइड लेते हैं जिसको हम बेसिकली स्प्रेडर स्लाइड का नाम देते हैं। इस दूसरी स्लाइड को आप इस मिक्सचर के ऊपर, स्टेन मिक्स्ड कल्चर के ऊपर प्लेस करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, जो प्राइमरी आपकी स्लाइड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए स्प्रेडर स्लाइड को पहली स्लाइड के ऊपर जो आपने स्टेन के अंदर कल्चर मिक्स किया उसके ऊपर रखते हैं। आप स्प्रेडर स्लाइड को स्टेन मिक्स्ड कल्चर के ड्रॉप के ऊपर प्लेस करते हैं, और प्लेस इस तरह से करते हैं कि आपकी स्प्रेडर स्लाइड और आपकी जो शेल्फ है, आपकी जो सरफेस है, आपकी जो नीचे वाली स्लाइड है उसके दरमियान जो एंगल बने वो 45 डिग्री का हो। जब 45 डिग्री का एंगल बन जाए तो आपने नीचे वाली जो स्लाइड है उसको फिक्स कर रखते हुए उसको पकड़ के स्प्रेडर स्लाइड को आपने प्राइमरी स्लाइड के ऊपर मूव करवा देना। मूव करवाने से क्या होगा कि जो आपका स्टेन मिक्स्ड कल्चर था वो तमाम स्लाइड के ऊपर फैल जाएगा। जैसे आप फर्श के ऊपर थोड़ी सी जगह पे एक गिलास पानी का डाल दें, फर्श के ऊपर थोड़ी सी जगह पे एक गिलास पानी का डाल दें, और उसके अंदर ही आप कोई कलर डाल दें, फर्ज करें आप अपनी ही ब्लू इंक जो है वो उसके अंदर मिक्स कर दें, और फिर आप वाइपर पकड़ें और आप उस ड्रॉप के वो जो आपने पानी डाला है और उसको भी फैलाया नहीं है आपने, उसके अंदर जो आपने इंक डाला था उसके ऊपर रख दें वाइपर को। इसी तरह से आपने स्प्रेडर स्लाइड प्लेस करनी है, और वाइपर को आपने जिस साइड पे आपने वो फैलाना है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के खड़े होना है, और एंगल क्या होना चाहिए 45 डिग्री का। फिर आपने वाइपर को अपने से अवे मूव करवा देना है। अब स्मीयर किस डायरेक्शन में बनेगा? आपसे अवे बनेगा। तो आपने जो प्राइमरी स्लाइड है वो इस तरह रखनी है कि उसकी जो खाली जगह है जिसपे आपने स्मीयर बनाना है, क्योंकि आपने स्टेन का ड्रॉप एक साइड पर रखा है, बाकी जो खाली स्लाइड है उसके ऊपर आपने स्मीयर बनाना है। आपने स्प्रेडर स्लाइड को ड्रॉप के ऊपर प्लेस करना है और थोड़ा वेट करना है ताकि वो जो स्टेन मिक्स्ड कल्चर है वो कैपिलरी एक्शन से स्प्रेडर स्लाइड के तमाम एज के ऊपर फैल जाए, ताकि आपका स्मीयर पूरी विड्थ के ऊपर बन सके। वंस कैपिलरी एक्शन से वो स्प्रेडर स्लाइड के तमाम एज के ऊपर फैल जाए
तो आपने 45 डिग्री का एंगल मेंटेन रखते हुए स्प्रेडर स्लाइड को मूव करवा देना है बाकी खाली स्लाइड के ऊपर। तो मूव करवाएंगे तो वो पूरे का पूरा स्टेन मिक्स्ड कल्चर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा आपकी स्लाइड के ऊपर। उसके बाद आपने जब मिक्स कर दिया और स्मियर फॉर्मेशन स्प्रेडिंग कर ली स्प्रेडर स्लाइड से, स्प्रेडिंग आपने कर ली स्प्रेडर स्लाइड की हेल्प से, उसके बाद आपने इसको फोर्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप क्या है कि आपने एयर ड्राई करना है, एयर ड्राई। बस ये आपका स्मियर बन गया और स्टेन भी हो गया। इसमें आपने स्मियर फॉर्मेशन और स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है वो पैरेलल किया, साथ साथ किया, इकट्ठा कंबाइन करके किया। इसमें आपको वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें आपको स्मियर को फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इसमें सेल्स भी स्टेन नहीं हो गए। तो ऐसी स्लाइड को आप ड्राई करके, इसको ब्लॉट ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा एयर ड्राई। एयर ड्राई करने के बाद, एयर ड्राई करने के बाद आप इसके ऊपर ऑयल का ड्रॉप लगाते हैं और इसको 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी इसमें, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी इसमें, ऑब्जर्वेशंस बताने लगी हूँ। इसमें सेल्स आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे, क्यों, क्योंकि आपने एसिडिक स्टेन यूज़ किया है। और बैकग्राउंड क्या होगा आपको, बैकग्राउंड जो है वो आपको कलर्ड नज़र आएगा, कलर्ड बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड कलर क्यों होगा, क्योंकि आपने स्टेन को तो वॉश ही नहीं किया, स्टेन तो उधर ही पड़े हैं, अलबत्ता उसके ऊपर आपको वाइट वाइट सेल्स नज़र आएंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्लियर होगी। तो ये जो स्टेनिंग टेक्निक है इसमें हमने वॉशिंग नहीं की, इसमें हमने हीट फिक्सेशन नहीं की, इस वजह से और सेल्स भी स्टेन नहीं हुए। हीट फिक्सेशन, हीट भी सेल्स को मारती है, वो भी नहीं हमने की। स्टेन भी सेल को मार देती है, वो भी सेल स्टेन नहीं हुए, क्योंकि बैकग्राउंड स्टेन हुए, सेल स्टेन नहीं हुए। तीसरी, इसमें हमने वॉशिंग भी नहीं की, बच्चे अभी अटेंडेंस मत लगाएं। तीसरी, इसमें हमने वॉशिंग भी नहीं की कि डिस्टिल वाटर से सेल्स मर जाते हैं। तो ये जो स्लाइड हम बनाते हैं इसमें सेल्स जिंदा हालत में होते हैं। ऐसी स्लाइड्स को जब आप डिस्कार्ड करते हैं ऑब्जर्व करने के बाद, तो उनको आप आटोक्लेव से डिस्कार्ड करते हैं, आटोक्लेव से स्टरलाइज करके। नेगेटिव स्टेनिंग्स में स्लाइड के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो लाइव होते हैं, जबकि बाकी तमाम स्टेनिंग टेक्निक्स में जो हम सेल्स ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में वो डेड सेल्स होते हैं। अब नेगेटिव स्टेनिंग में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, अगेन वही चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि कंट्रास्ट में आ गए हैं सेल्स। हम सेल की शेप देख सकते हैं, सेल का साइज देख सकते हैं, सेल की अरेंजमेंट देख सकते हैं, और बाज़ दफ़ा हमने सेल्स को काउंट करना होता है तो हम सेल्स एक खास एरिया में काउंट भी कर सकते हैं। तो पर्पज़ क्या है नेगेटिव स्टेनिंग का भी, सेल की साइज़ को देखना, शेप को देखना, अरेंजमेंट को देखना। और बाज़ दफ़ा हम कैप्स्यूल की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, क्योंकि कैप्स्यूल वाटर सॉल्युबल होता है। अगर हम किसी भी स्टेनिंग प्रोसीजर में वाटर इस्तेमाल करते हैं तो कैप्स्यूल लॉस हो जाता है। अगर एक बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो वॉशिंग से हमें वो नॉन कैप्सुलेटेड नज़र आएंगे। चूँकि हम नेगेटिव स्टेनिंग में हीट फिक्सेशन भी नहीं करते और वॉशिंग भी नहीं करते, इस वजह से हम नेगेटिव स्टेनिंग को कैप्सूल की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज कैप्सूल को देखने के लिए एक अलहदा से भी स्टेनिंग है, स्पेशल स्टेनिंग, कैप्सुलर स्टेनिंग। लेकिन चूँकि कैप्सुलर स्टेनिंग में भी हमने हीट फिक्सेशन नहीं करनी और वाटर यूज़ नहीं करना, और यही दोनों करैक्टर्स नेगेटिव स्टेनिंग में भी है। इसमें हमने थ्रू आउट कोई वॉशिंग नहीं की, इसमें हमने हीट फिक्सेशन नहीं की, ये दोनों चीज़ें कैप्सूल को ख़राब करती हैं। इस वजह से हम नेगेटिव स्टेनिंग को साइज देखने के लिए, शेप देखने के लिए, अरेंजमेंट देखने के लिए, प्लस कैप्सूल की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल हमें कैसे नज़र आएगा, इसमें हमें सेल के इर्द गिर्द वैसे तो सिंगल बाउंड्री नज़र आएगी, लेकिन कैप्सूल के केस में हमें सेल के इर्द गिर्द डबल बाउंड्री नज़र आएगी। अगर डबल बाउंड्री नज़र आए नेगेटिव स्टेनिंग में तो वो इंडिकेट करेगा कि ये जो है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। और सेल्स ट्रांसपेरेंट होंगे, दो डार्क बाउंड्रीज अगर आपको नज़र आए, जैसे आप कॉपी पे पेंसिल से दायरा लगा के उसके इर्द गिर्द एक और दायरा लगा लें, सेल्स ट्रांसपेरेंट डबल बाउंड्री है तो कैप्सूल है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है और बैकग्राउंड डार्क है, कंट्रास्ट तो डिवेल्प हुआ है, और इस कंट्रास्ट के डिवेल्प होने से हम सेल की शेप, उसके अरेंजमेंट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं नेगेटिव स्टेनिंग में। तो ये हमारी स्टेनिंग की टेक्निक्स थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी, सिंपल स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग। जी लेक्चर मेरी तरफ से ख़त्म है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन पूछने के लिए आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
2016 हसीब क्लास में प्रेजेंट है? हसीब, हसीब एक स्टूडेंट है 2016 वाला जी। आप प्रेजेंट जरा बताओगे कि आपने किस बैक्टीरिया के ऊपर ये नेगेटिव स्टेनिंग परफॉर्म की थी और आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ये अपने जूनियर्स के साथ जरा शेयर करें। मैम, मैंने ग्राम स्टेनिंग की हुई है। ग्राम स्टेनिंग की थी, चलें जी ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो, आपको अगली क्लास में तकलीफ देंगे। आमना आपकी फेलो है, आमना प्रेजेंट हो आप क्लास में? अटेंडेंस लगाना शुरू कर दें जी, अटेंडेंस लगाना शुरू कर दें आप जी। बच्चों क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। बच्चों क्वेश्चन चलें जी, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ अगर आपने नहीं करना। अलीज़ा जुनेद, अलीज़ा जुनेद आप अपना माइक ऑन करो, और अलीज़ा जुनेद मैं हर बच्चे को 3 दफ़ा कॉल करूँगी, अगर वो थर्ड टाइम भी अपना माइक ऑन नहीं करता तो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को कॉल कर लूँगी, ठीक है। अलीज़ा जुनेद नो, अनिका ज़िया, अनिका ज़िया आप अपना माइक ऑन करो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। अनिका, तहरीम फातिमा, इसने अभी अभी अटेंडेंस लगाई है तो ये तो लीव नहीं करेगी। अनिका ज़िया आप अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे ही हम ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं? 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे ही हम ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं? हो नहीं रहा हूँ, ठीक है। सारा तूर, सारा तूर बच्चों ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपको बुलाया करूँ और अटेंडेंस लगाने के बाद मीटिंग लेफ्ट मत किया करें, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देना फिर। अनिका ज़िया, खैर जी अनिका मैं आपका ज़रा मैसेज, सारे बच्चे ज़रा चैट बॉक्स खोल लें और अनिका का मैसेज पढ़ें और बताएं कि इसने ठीक लिखा है या गलत, मैं भी पढ़ती हूँ। इंक्रीज रिफ्रैक्शन एंड इनहेंस द विजन, बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े मुख्तसर अल्फाज में आंसर कर दिया, मतलब पूजे में दरिया बंद कर दी, तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया। इसको मैं थोड़ा सा अलेबोरेट कर देती हूँ। जो सेकेंड असाइनमेंट दी थी आपको कि हम 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे सीडर वुड ऑयल ही क्यों यूज़ करते हैं, तो बच्चों अभी यहाँ से ऑनवर्ड मैं आपको बता दूँ कि लाइट चली गई है काफ़ी देर से और मेरी 2 क्लासेस थी आपसे पहले, 2 क्लास थी, तो बैटरी कम हो रही है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो आपने उसको डिस्कनेक्ट ही समझना है, ठीक है, मतलब वो मेरी तरफ से गुड बाय होगा अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो, अदरवाइज मैं प्रॉपर गुड बाय कहूँगी आपको। तो एक और बात जो असाइनमेंट से पहले मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीक में हमारी 1 क्लास होगी क्योंकि ईद की छुट्टियाँ हो गई हैं 22 से 27 तक, 22 से 27 मई तक जो है ईद की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो नेक्स्ट वीक में हमारी थर्सडे को सिर्फ 1 क्लास होगी, थर्सडे वाली क्लास होगी, एक ये बात। और दूसरा चलें, आपको एडवांस में ईद मुबारक भी कहना था, अभी मैं आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ठीक है, इन्जॉय करिएगा लेकिन घर में ही रह के, बाहर मत निकलिएगा कि चलो ईद है तो बाहर दोस्तों से मिलने चले जाएं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीडर वुड ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं। सीडर वुड ऑयल, सीडर वुड ऑयल जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑयल होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। दूसरी तरफ ग्लास है, ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है। ये आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है आंसर की तरफ आने से पहले। सीडर वुड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप लोग वाकिफ होंगे कि लाइट बेंडिंग एबिलिटी किसी भी मीडियम की जो होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, सीडर वुड ऑयल ट्रांसपेरेंट है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 ही है। इसका मतलब है कि वो लाइट के पाथ में हिंड्रेंस काज नहीं करता। अगर लाइट ग्लास से ग्लास में जाए और ग्लास से सीडर वुड में जाए और फिर ग्लास में जाए तो लाइट की बेंडिंग नहीं होती क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वाला उसमें एंड हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, या